केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी ने एक गुफा में पहुंचने के बाद वहां ध्यान में 17 घंटे का वक्त बिताया। जी हां, ये बड़ी खबर आ गई है कि पीएम मोदी देश की सुख समृद्धि के लिए ध्यान साधना में व्यस्त रहे। और मालूम ये भी हुआ कि वोटिंग की आखिरी दिन से ठीक पहले पीएम मोदी ने जिस तरह से भगवा वस्त्र में ध्यान में डूब कर जीत की कामना की, वहीं दूसरी ही तरफ आखिरी दिन जी हां सातवें चरण के बीच पीएम मोदी का बद्रीनाथ पहुंचकर वहां दर्शन करना भी चर्चाओं में रहा, जहां उनकी जीत का डंका तो बज चुका है। जी हां, मालूम होगा आपको कि पीएम मोदी शुरुआत से ही शिव भक्त रहे हैं और उनकी शिव भक्ति में लीन होना कोई नई बात तो नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव के आखिरी दिन के बिल्कुल करीब में पीएम मोदी का ये भगवा रूप धारण करना चर्चाओं में रहा। तो वहीं आपको बता दें, इसे देखकर ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के इस रूप को देखकर वाकई में पूरी तरह से लोग आश्चर्यचकित तो होंगे। जी हां, पीएम मोदी के स्वरूप को देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा चौकन्ने होने वाले हैं, क्योंकि पीएम मोदी के इस रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी सोच में पड़ेगी। खैर, दरअसल करीब डेढ़ महीने बाद चली लोकसभा चुनाव की थकान भरी कवायद का परिणाम आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को यानी कि बीते कल के दिन केदारनाथ पहुंचे थे, जहां 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ही उन्होंने बारिश के बीच उस पवित्र गुफा में कदम रखा। जानकारी ये भी मिली है कि रुद्राभिषेक कर उनकी आराधना भी की उन्होंने, भगवान शिव की आराधना करते हुए वो काफ़ी खुश थे। तो वहीं हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री के उतरने के बाद स्टेली रंग के पहाड़ी परिधान और पहाड़ी टोपी पहने हुए के उस रूप को लोग देख के अचंभित रह गए। कमर में केसरिया गमछा बांधे हुए दिखाई दिए थे पीएम मोदी। हेलीपैड से मंदिर पहुंचने के पैदल रास्ते के दोनों ओर मौजूद श्रद्धालुओं तथा स्थानीय जनता का उन्होंने हाथ मिलाकर अभिनंदन भी किया था। खैर, अभिवादन करते हुए पीएम मोदी काफी खुश थे। वहीं मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद केदारनाथ तीर्थ यात्रा के लिए जिस पीएम मोदी को निकलते देखा गया, उन्होंने पुरोहितों के सामने स्वागत काफ़ी अच्छे तरीके से पाया। खैर, भगवान शिव की पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक के लिए मंदिर के गर्भगृह में पहुंचने के बाद पीएम मोदी को आधे घंटे तक पूजा में व्यस्त देखा गया, जहां पर पूजा में लीन पीएम मोदी परिक्रमा भी करते नजर आए और तो और हाथ हिलाकर उन्होंने श्रद्धालुओं का अभिवादन भी किया था। केदारनाथ में पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से पूर्ण निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की। जी हां, पूर्ण निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए पीएम मोदी वहां के खास उन्नति को लेकर बात करते नजर आए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ जाकर वहां भगवान शिव की भगवान शिव की पूजा करने के बाद विष्णु की पूजा के लिए अर्चना के लिए व्यस्त नजर आए, उन्हें लेकर ये सभी जानते हैं कि वो पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार के साथ जब नजर आए तो वहाँ प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भी खास तरीके से तैनात कर रखा गया था। SPN 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।